बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है, धूप निकली हुई है। यहाँ मैं टैलिन में, उस्तानिया के शहर टैलिन में, तो ये मेरे घर के पास ही थोड़े से फासले पे ना एक लोकल मार्केट है। तो वहाँ पे आज सुना है कि सेकंड हैंड चीज़ों का जो है ना वो बाज़ार लगा हुआ है। तो मैं अभी जा रहा हूँ उधर, वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के बाज़ार कैसे होते हैं, सेकंड हैंड चीज़ें आपको कितने में मिलती हैं और क्या क्या होता है वहाँ। मार्केट में हम पहुंच के, ये लेफ़्ट साइड पे फ्रूट और सब्ज़ी की मार्केट होती है। यहाँ हर रोज़ होती है, तकरीबन सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक होती है, और वीकेंड पे इसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है, 10 से लेकर 4 बजे तक। तो ये राइट साइड पे जो है, ये वीकेंड पे कोई ना कोई जो है इवेंट होता है यहाँ पे ना, कोई ना कोई मार्केट होती है या कुछ ना। इस दफ़ा ये एंटीक चीज़ों की मार्केट लगी है यहाँ। ये देखें आप, ये टेलीफोन है तो पुराने ज़माने का, और ये गाड़ी पे इसने गन्स रखी हुई हैं। ये गन्स जो है मैंने चेक की हैं, ये रियल हैं, एयर गन्स हैं ये। ये जो पहले वाली ये जर्मन है, और साइड पे जो है वो रशियन है, मिडल में यूएसए की है। सबसे महंगी जो है ये वो रशियन है, इसने इसके 100 यूरो पे हैं। और ये जो रिवॉल्वर्स हैं ये भी रियल हैं। तो रिवॉल्वर्स की कीमत मैंने नहीं पूछी, पर इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखें, ये मोटर्स होती थी पाकिस्तान में ना, पानी वाली मोटर्स, ये भी हैं इनके पास। इसको रशियन मोटर ही कहते थे मेरे ख्याल में। वहाँ भी पुराने कैमरे हैं बहुत ज़्यादा। ये मैंने पूछा था इनसे कि कैमरे काम करते हैं, ये काम करते हैं। और 40 यूरो का जो सेकंड हैंड ये कैमरा एक है, सबका रेट एक ही है। तो उसके पास एक नया था ना, वो साइड पे पड़ा हुआ उसका ब्लैक वाला, तो वो उसने कहा था कि वो 80 का दे देगा। पर ये जितने भी हैं इनके ब्रांड्स हैं, ये रशियन है, इनका कोई उस तरह का वो मेरे ख्याल में कोई स्पेशल ब्रांड नहीं है। इस तरह कैमरा मैं, ये वाला इसने कहा है कि ये ब्रांड न्यू है, वो 80 का दे देगा। उसके अलावा इसके पास ये देखें दूरबीनें हैं, डिफरेंट किस्म की और डिफरेंट स्टाइल की, बहुत ही पुरानी, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं इनके पास ना। ये देखें पुराने ज़माने के नाइफ भी पड़े हुए हैं। ये देखें, ये हंजर नमा चीज़ है, ये 5 यूरो का कहा था इसमें। थोड़ा सा आगे चलेंगे अगले वाले स्टॉल पे तो देखते हैं उनके पास क्या। ये देखेंगे इनके पास ही काफ़ी सारे मेडल नमा चीज़ है ना, ये तकरीबन सब स्टॉल्स पे ही ना काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। ये 2-2, 3-3 यूरो इनकी प्राइस है, तो मुझे इनकी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। ये मेडल नुमा चीज़ें हैं, ये देखेंगे ब्रास नुमा चीज़ है, कोई हम अपनी जबान में पीतल कहते हैं, पीतल के बर्तन हैं। ये साथ कप भी है। ये देखें इनके पास भी काफ़ी तादाद में ना पुराने हंजर हैं, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी में है। ये हंजर जो है, प्राइस इनकी पूछी थी, ये जो बड़े वाले हैं ये 15 यूरो, और ये छोटे वाले जो है 5-5 यूरो के हैं। ये कुछ ज्वेलरी है, कुछ अंगूठियाँ हैं और इस तरह की चीज़ें, ये पुराने वक्त की चमचे हैं। और अगले स्टॉल पे चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर हार्डवेयर की चीज़ें, छोटे छोटे पार्ट्स हैं लोहे के, और दूरबीनें और कैमरे के कवर्स और इस तरह की चीज़ें। इनके पास एक वो कार में लगाने वाली टेप भी थी, केसट वाली। ये अगले स्टॉल पे, यहाँ पे ना टॉयज
काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों के टॉयज और लैंप वगैरह। ये बैग्स वगैरह और छोटी मोटी और चीज़ें के पास एक सूटकेस पड़ा हुआ था, उन्हें मैंने कहा लेदर का 80 यूरो के करिए में कीमत। तो यहाँ पे इनके पास टूल है, ज़्यादातर टूल है यहाँ पे ना, सेकंड हैंड टूल है। होम डेकोरेशन की चीज़ें इनके पास माने की, ये देखें कॉपर की ये कैटल है, ये 20 यूरो की कही थी इन्होंने, और ये वाला जो सेट है ये 50 यूरो का। काफ़ी हैवी है ये वेट में भी और क्वालिटी भी इनकी बड़ी अच्छी है। ये देखें ये पुराने वक्तों की इस्त्री है, बहुत हैवी है ये, उसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाली भी पड़ी हुई है पुरानी जो है। सुबह सुबह का टाइम है तो मार्केट काफी बिजी है, काफी लोग आए हुए हैं। वैसे लास्ट टाइम में आया था तो इतनी वो बिजी नहीं थी। देखें इनके पास भी होम डेकोर की चीजें हैं पुरानी, यहाँ की पीतल की कोई चीजें नजर आ रही हैं। देखें बहुत भारी हैं ये, पुराने वक्त की है ना और काफी हैवी है। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, देखें कीमे वाली मशीनें जो पाकिस्तान में होती हैं, कीमे कीमा बनाने वाली मशीनें, और ये एक वो गैस जिसे हम कहते थे पुराने वक्तों में ना, जब बिजली नहीं होती थी इसको ये जलाया करते थे लाइट के लिए, काफ़ी ज़्यादा लाइट होती थी। और पुरानी पानी वाली मोटर्स और सूटकेस इनके पास हैं, ये देखें एक पुराने ज़माने का रेडियो, ये रशियन ब्रांड है, इसके कोई लिखा हुआ रशियन में ही है, पढ़ा नहीं जाता। और टेबल लैंप्स हैं और शॉपिंग ट्रॉलीज, और ये कैंस हैं फ्यूल वाले कैंस, एक दो कैमरे भी हैं इनके पास, पुराने लॉक जो होते थे वो भी हैं। ये देखें सिलाई मशीन, ये भी अब एंटीक होगी या बहुत ही कम लोगों के पास होगी मेरे ख्याल में। ये अंकल मुझे ये बता रहे थे, ये मुझे पता नहीं क्या है, ये एक मेटल की चीज है, तो इनको इंग्लिश नहीं आ रही थी तो कह रहे हैं कि मैं लिख के बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर इन्होंने मुझको लिख के बताया कि ये जो चीज़ है ये 19th century की बनी हुई है, 1900 इन्होंने लिखा है। फिर ये मुझे बताना चाह रहे थे कि ये हैंडमेड है, ये हाथ से बनी हुई है, और फिर उन्होंने मुझे कीमत बताई कि मैं ये 100 यूरो की दे दूँगा। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये हैंडमेड है, हाथ से बनी।
तो यहाँ पे इनके पास ना कुछ पुराने ज़माने की घड़ियाँ हैं, ये देखें, चैन वाली भी हैं, बेल्ट वाली भी हैं, और ये एक लेदर का बेल्ट है, और ये छुरियाँ और हंजरनुमा चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनके पास, दूरबीनें हैं, कैमरे हैं, ये देखें, ये हंजरनुमा चीज़ है, इस पर काम भी हुआ हुआ है, इसका कवर भी इसके साथ है। मैंने इसकी प्राइस पूछी है तो उसने 60 का है, 60 €, देखें कैसे उसने बताया है, 60 €। और उसके साथ ही एक तलवार है ये पड़ी हुई, ये कवर के साथ है, ये भी कवर के साथ है, इसके उसने 50 € का है, ये भी काफ़ी पुरानी लग रही है। और जितनी भी उसके पास वो दूरबीनें वगैरह पड़ी हैं वो 30 की, और ये देखें 32 पुराने ज़माने की, ये साइकिलें भी जो हैं वो सेल के लिए हैं, कोई 70 की है, कोई 50 की है, कोई 30 की है, सराना ये देखें, ये 75 की है, ये देखें, इनके पास भी हार्डवेयर की चीज़ें हैं, मतलब कि डिफरेंट मशीनरी में यूज़ होने वाले छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। ये देखें जी, ये गाड़ियों में लगाने वाली टेप हैं जो पुराने वक्त में होती थी, कैसेट वाली, और एक ये टेप है, और इसके नीचे जो ये पड़ा हुआ है ये रिकॉर्डर होता था जिसमें दो कैसेट्स पड़ती थी, और एक जो आप रिकॉर्ड करवाना चाहते थे और दूसरी में रिकॉर्ड होता था। इसके साथ स्पीकर भी हैं, ये गाड़ियों की नंबर प्लेट्स आ रही हैं, और कुल्हाड़े, ये कुल्हाड़ा पहली दफ़ा मैंने देखा है, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे कुछ ना बने हुए हैं पार्ट्स से, पता नहीं क्या है। यहाँ पे काफी रश बना हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। ये बच्चों के टॉयज, फोन और उस तरह की चीजें, कुछ होम डेकोरेशन की पुरानी चीजें यहाँ पे ना, ये देखिए छोटी छोटी कारें, उस साइड पे वो प्लास्टिक के टेलीफोन, ये होम डेकोरेशन की चीजें, ये 20 €, हर चीज जो है ना 20 €, से पूछा था तो। काफी ज्यादा चीजें हैं, ये कोई कॉपर का बना हुआ है, ये काफी हैवी था, ये मैंने उठा के देखा था, और साइज में भी काफी बड़ा है। यहाँ पे कुछ सीनरीज वगैरह और होम डेकोरेशन की चीज़ें, कुछ लेदर की चीज़ें यहाँ पे, पुराने ज़माने की कवर्स बने हुए हैं, टॉर्च है, और कुछ ज्वेलरी है, ज्वेलरी मा चीज़ें, मेडल्स तकरीबन, ये मेडल्स मा चीज़ें तकरीबन हर स्टॉल पे ही आपको मिलेंगी यहाँ ना। ये देखें, यहाँ इनके पास एक बहुत ही पुराना रेडियो पड़ा हुआ है, वो देखें बड़ा सा, बहुत पुराना है, मैंने इससे पूछा था पर क्योंकि इस पर रशियन में लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आया, इसने कहा था कि 100 साल से पुराना है ये वाला। ये अगेन मेडल्स और इस तरह की चीजें,
ये आगे दो तीन स्टॉल्स और रह गए, इसके बाद खत्म ही है। ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी की मतलब छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ से मुझे एक अंगूठी मिली है बहुत ही चीप। ये देखें यहाँ पे ना कॉपर के ये बड़े बड़े बर्तन हैं, ये मैंने उठा के देखा है, ये काफ़ी हैवी है, काफ़ी काफ़ी हैवी है। ये एक जो है ये इसने प्राइस इसकी करी थी 70 यूरो का कहा था, ये जो बड़ा वाला है, और दूसरा कोई 40 का है, कोई 30 का है, कोई 60 का है। वो उस दूसरी साइड पे ऊपर देखें वो कॉपर के और पीतल के वो और भी बर्तन पड़े हुए हैं, काफ़ी हैवी है। इसका वजन तकरीबन 4 किलो होगा या कुछ इस तरह, 3-4 किलो के दरमियान होगा। किलो से ऊपर तो ये भी होगा। इनके पास पुराने जमाने की बेल्स भी हैं, एक बत्ती भी है, ये देखें। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।